व्हाट इज अर्थ वेक। अभी हम लोग देख रहे हैं टॉपिक व्हाट इज अर्थ वेक। ये टॉपिक का नाम है व्हाट इज अर्थ वेक। ये जो है 54 नंबर पेज नंबर 54 है और चैप्टर नंबर ये 3.1 है। ईवीएस क्लास 5 का बुक चैप्टर नंबर 3.1 और पेज नंबर है 54। ये ईवीएस के बुक का हम लोग पेज नंबर 54 देख रहे हैं। टॉपिक है व्हाट इज अर्थ वेक। व्हाट इज अर्थ वेक कह रहा है कि अर्थवेक जो है, अर्थवेक इज अ सडन, एकाएक सडन सैकिंग। अर्थवेक क्या है ये? अर्थवेक इज द सडन सैकिंग। सडन मतलब एकाएक, सैकिंग मतलब हिलना। सैकिंग मतलब जो है हिलना है। सडन एकाएक जो है ये हिलने लगता है। सैकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ जो है ये हिलने लगता है। तो ये अर्थवेक क्या है? अर्थवेक कह रहा है कि अर्थवेक इज द सडन सैकिंग ऑफ अर्थ काउज्ड बाई। कैसे होता है ये, कैसे होता है? कह रहा है कि मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कह रहा है कि मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। कहाँ मूवमेंट हो रहा है? अंडर द सरफेस ऑफ, अंडर द, ये जमीन के नीचे हो रहा है। अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के ये नीचे हो रहा है। कह रहा है कि ड्यू टू अर्थवेक, अर्थवेक के कारण ये क्या होता है? कह रहा है कि ड्यू टू अर्थवेक, अर्थवेक के कारण, ड्यू टू अर्थवेक अर्थवेक के कारण क्या क्या हो रहा है? अर्थवेक के कारण बोल रहा है कि बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर गेट डैमेज। बिल्डिंग जो होता है डैमेज हो जाता है। डैम्स में ब्रेक, डैम जो है डैम्स जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, डैम्स में ब्रेक, ये टूट सकता है, में ब्रेक। एंड ब्रिज जो पुल होता है, ब्रिज एंड इलेक्ट्रिक पोल जो बिजली का खंभा होता है, गेट अपरूटेड, ये उखड़ जाता है। गेट अपरूटेड मतलब ये उखड़ जाता है। कह रहा है इट कैन रिजल्ट इन फायर, आग भी लग सकता है, आग भी लग सकता है। कह रहा है इट कैन रिजल्ट इन फायर, आग भी लग सकता है। फ्लड ऑल्सो, बाढ़ भी आ सकता है। अर्थवेक के कारण बाढ़ भी आ सकता है, आग भी लग सकता है। इट कैन रिजल्ट इन फायर एंड फ्लड। अर्थवेक के कारण क्या क्या हो सकता है? अर्थवेक के कारण फायर हो सकता है, आग लग सकता है, और फ्लड आ सकता है, आपका बाढ़ आ सकता है। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट, यातायात जो है, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एंड कम्युनिकेशन जो दूर संचार है, ऑल्सो अफेक्टेड, ये अफेक्ट हो सकता है। कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन साफ सुथरा का जो कंडीशन है, साफ सुथरा कैन रिजल्ट इन एपिडेमिक। गंदगी के कारण सैनिटरी कंडीशन, जो सफाई नहीं रह पाता है, तो गंदगी के कारण क्या हो सकता है? सैनिटरी कंडीशन के कारण, सैनिटरी कंडीशन के कारण एपिडेमिक हो सकता है, महामारी हो सकता है। तो ये एपिडेमिक हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? अर्थवेक के कारण हो सकता है। यहाँ पे ये डायग्राम में, फिगर में ये दिखाया हुआ है, ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये अर्थवेक का ये डायग्राम है। ये घर वगैरह जो है दिखा रहा है कि ये टूट गया है। तो इस तरह से जो है ये अर्थवेक के बारे में है। व्हाट इज अर्थवेक एक बार हम लोग फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि अर्थवेक इज द सडन, क्या है ये अर्थवेक? अर्थवेक इज द सडन सेकिंग ऑफ अर्थ काउज्ड बाय मोमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे बता रहा है ड्यू टू अर्थवेक, अर्थवेक के कारण बिल्डिंग है, एंड अदर स्ट्रक्चर गेट डैमेज, डैमेज हो जाता है। डैम्स में ब्रेक, एंड ब्रिंग्स ब्रिज एंड इलेक्ट्रिक पोल, गेट अपरूटेड, उखड़ जाता है सब।
कर रहा है इट कैन रिजल्ट, कौन सा इट कैन रिजल्ट, क्या चीज, अर्थवेक रिजल्ट इन फायर फ्लड आल्सो, फायर लग सकता है, आग लग सकता है, फ्लड आ सकता है। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन आर आल्सो अफेक्टेड, ये आल्सो अफेक्टेड होता है। कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ सैनिटरी कंडीशन कैन रिजल्ट इन एपिडेमिक, और इस तरह से जो है सैनिटरी कंडीशन साफ सुथरा जो है बिगड़ जाता है, गंदगी फैल जाती है, और सैनिटरी कंडीशन साफ सुथरी की स्थिति जो है चारों तरफ गंदगी फैल जाती है, और ये एपिडेमिक हो सकता है, महामारी का रूप ले सकता है। तो इसको बार बार पढ़ेंगे हम लोग, इसको व्हाट इज़ अर्थवेक, व्हाट इज़ अर्थवेक, इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और देख के इसको पेज में लिखेंगे व्हाट इज़ अर्थवेक।